हेलो एवरीवन, आज हम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहलाती है। जिस प्रकार हनुमान जी ने सीता जी को अशोक वाटिका में अपना सूक्ष्म रूप दिखाया था, उसी प्रकार मैटर ने अपना सूक्ष्म रूप जो है वो डेल्टन को दिखाया। मैटर के उस सूक्ष्म रूप को हम एटम बोलते हैं। अब डेल्टन को एटम की ऐसी लगन लगी कि अनूप जलोटा जी गाने लगे, ऐसी लागी लगन डेल्टन हो गया मगन, वो तो एटम 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 गुन गाने लगा, ऐसी लागी लगन डेल्टन हो गया मगन। अब डेल्टन जो है दिन रात सोते जागते एटम 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 करने लगा। तो डेल्टन के पड़ोसियों ने पूछा, ये एटम एटम क्या है, ये एटम एटम? तो डेल्टन जवाब देते हैं, मैटर को जब तोड़ा जाए तो छोटा पार्ट जो बनता है उसको कहते हैं एटम 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 एटम। तो लोगों को एटम में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो वो कहने लगे, एटम के बारे में जरा हमको विस्तार से बताइए। तो डेल्टन एटम के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहला पॉइंट कहते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है उस पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, इन एग्जांपल शेप साइज मास एंड ऑल्सो इन प्रॉपर्टीज। तो एक एलिमेंट के सारे एटम जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू साइज, विथ रिस्पेक्ट टू मास, विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड पॉइंट है, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अगर हम दो एलिमेंट के एटम में कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि दोनों एलिमेंट के एटम जो हैं वो कैसे होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। उनका साइज अलग होगा, उनका शेप अलग होगा, उनका मास अलग होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। अगर हम दो मेटल को कंपेयर कराते हैं, एक मेटल हमारे पास आयरन है और दूसरा मेटल हम गोल्ड ले लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि गोल्ड के सारे एटम जो है वो आइडेंटिकल हैं, गोल्ड के सारे एटम जो है वो एक दूसरे से मैच करते हैं, चाहे वो साइज हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो मास हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो। आयरन के सारे एटम एक दूसरे से मैच करते हैं, चाहे वो आप शेप की बात करो, चाहे साइज की बात करो, चाहे मास की बात करो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो। लेकिन अगर हम आयरन एटम एंड गोल्ड एटम को कंपेयर कराएं तो दोनों एटम के मास कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। दोनों एटम का शेप कैसा होगा, डिफरेंट होगा। दोनों एटम का साइज कैसा होगा, डिफरेंट होगा। दोनों एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। दोनों एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, वो डिफरेंट होंगी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो फोर्थ पॉइंट था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर का जो पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करता है उसको हम एटम बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। कंपाउंड एटम को हम जो है वो मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जब दो एटम कंबाइन करते हैं वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि हमने बाद में मॉलिक्यूल्स बोला। सिक्स पॉइंट है, व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो डेल्टन्स का कहना था, जब एटम कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन करेंगे जिसको कि हमने मॉलिक्यूल्स बोला, तो एटम जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो उनकी कॉम्बिनेशन का रेशियो कैसा होगा, वो सिंपल होल नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि एक एटम टू पार्ट में कंबाइन हो रहा है और दूसरा एटम 100 पार्ट में कंबाइन हो, ऐसा कभी नहीं होगा।
ये रेशियो होगा 2:3 या 2:4 इस टाइप का रेशियो होगा। रेशियो में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे। सेवेंथ नंबर, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी भी एटम को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है इन अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन में। तो किसी भी फिजिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन में आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम का मास लॉस होता है, ये लॉस मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप कहोगे सर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में भी तो एनर्जी निकलती है, तो क्या वहां मास का लॉस नहीं होता? बिल्कुल होता होगा, लेकिन वो मास इतना 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 कम होता है कि उस लॉस मास को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन में एटम जो है ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आएगा। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पहला लिमिटेशंस है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन गे-लुसिक्स लॉ। तो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो गे-लुसिक्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ये लॉ जो है वो गैस के वॉल्यूम पे बेस्ड था। जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ गैस के मास पे बेस्ड थे उनको तो डेल्टन्स लॉ एक्सप्लेन कर सकती है, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसको भी एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको भी एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इसको भी एक्सप्लेन किया। तो डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के चार लॉ को तो एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन जो पांचवा लॉ है, फिफ्थ लॉ है गे-लुसिक्स लॉ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ये गैस के वॉल्यूम पे बेस्ड था। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो सेकंड लिमिटेशन है, इट फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास साइज एंड बैलेंसिंग। तो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो हैं वो मास में डिफरेंट क्यों होते हैं, वो शेप में डिफरेंट क्यों होते हैं, वो साइज में डिफरेंट क्यों होते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट क्यों होते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट क्यों होते हैं, उनकी बैलेंसिंग डिफरेंट क्यों होती है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थर्ड लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि दो एटम आखिर केमिकली कंबाइन क्यों होते हैं, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करते हैं या कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। इस बात को डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फोर्थ पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई व्हिच फोर्स एटम हेल्ड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि वो कौन सा फोर्स है जिस फोर्स के कारण एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स में बंधे होते हैं। इस बात को डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिफ्थ लिमिटेशंस था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। तो डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मैटर जो है वो तीन फिजिकल स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, वो सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट करता है, वो लिक्विड में एग्जिस्ट क्यों करता है, वो गैस में क्यों एग्जिस्ट करता है। तो ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।